के दर्शकों का स्वागत है और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इन दिनों दुनिया के दो देशों की चर्चा चारों तरफ है, एक है रूस और दूसरा है यूक्रेन। नाटो देशों पर ठने पूरे विवाद ने अब इन दो देशों को युद्ध में झोंक दिया है। रूसी सेना और उसके जंगी जहाज समूचे यूक्रेन को तबाह करने पर उतारू है। सैन्य ठिकानों से लेकर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है और रूस द्वारा यूक्रेन पर बमबारी जारी है। कीव शहर तक पहुंचे रूसी सैनिकों को रोकने के लिए पुल उड़ा दिया गया है, तो वहीं देखिए यूक्रेन के नागरिकों में दहशत का माहौल है। हालांकि अब बातचीत का दौर शुरू हो चुका है, दोनों देशों की तरफ से बातचीत की पेशकश की जा रही है और इस बात की अब ये संभावना भी जताई जा रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग खत्म हो सकती है। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें इन दो देशों पर, यानी कि रूस यूक्रेन के इस बढ़ते तनाव पर है। तो वहीं रूसी श्रद्धालुओं ने शांति बहाली के लिए भगवान जगन्नाथ मंदिर में प्रार्थना की है। इस मुश्किल घड़ी में यूक्रेन के लोगों की सलामती के लिए तीन रूसी भक्तों ने 12वीं शताब्दी में निर्मित भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रार्थना की। लेकिन क्या आप जानते हैं ईसाई बहुल यूक्रेन देश में क्या हिंदू धर्म से जुड़ी परंपराओं को निभाने की आज़ादी है या नहीं? तो देखिए ना, शिक्षा के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर आने वाले यूक्रेन में 99% साक्षरता है, तो वहीं सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाला दुनिया का तीसरा नंबर का ये देश है। विश्व का सबसे गहराई वाला मेट्रो स्टेशन आपको कहीं नहीं बल्कि यूक्रेन में ही मिलेगा, तो वहीं फुटबॉल और मुक्केबाजी यहाँ के युवाओं का शौक कहें या फिर उनकी जान है। लेकिन क्या आप जानते हैं संकट की इस घड़ी में जो यूक्रेन भारत को उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है, पीएम मोदी पर भरोसा जता रहा है, वहाँ हिंदू सनातनी धर्म को कितना अपनाया जाता है? तो हम आपको बता दें, सनातनी धर्म से जुड़ी परंपराओं को यूक्रेन में आज़ादी के साथ निभाना थोड़ा सा मुश्किल है। कुछ समय पहले इस्कॉन मंदिर की ओर से रथ यात्रा में शामिल होने वाले यूक्रेन निवासी देवरूपा ने जब श्री कृष्ण और भगवान राम के नाम की धुन सुनाई थी तो सभी मंत्रमुग्ध होकर वहां झूमने लगे थे और उनके साथ उनके एक साथी ने भी सुरीले अंदाज में भजन सुनाकर लोगों को भाव विभोर कर दिया था। दोनों से बातचीत हुई तो उन्होंने भारत को आध्यात्मिक देश बताते हुए यहाँ बसने की अपनी दास्तां सुनाई। देवरूपा ने बताया कि करीब 12 साल पहले वो अमेरिका, मालदीव और रूस के अपने साथियों के साथ भारत के वृंदावन में आई थी। यहाँ उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता और रामायण को पढ़ा, वृंदावन में गुरु से दीक्षा लेकर वापस वो यूक्रेन लौट गई। अब यूक्रेन में जब उन्होंने पहली बार जगराता किया और प्रभु भजन गाए तो उन पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। तब उन्हें यूक्रेन के सख्त कानून के बारे में पहली बार पता चला। उन्हें पता चला कि वहाँ के निवासियों को श्री कृष्ण और भगवान राम की पूजा करने पर पाबंदी है और इसके अलावा भारत से यूक्रेन गए लोग भी सार्वजनिक तौर पर देखिए प्रभु राम का गुणगान नहीं कर सकते हैं, जिसके बाद वो यूक्रेन को छोड़कर वृंदावन के आश्रम में हमेशा के लिए बस गई। आज उनका ये कहना है कि यूक्रेन विकास के क्षेत्र में भारत से भले ही 50 वर्ष आगे हो, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में सैकड़ों वर्ष पीछे है। अब वो वृंदावन में ही रहती हैं, अध्यात्म के रंग में पूरी तरह से रंग चुकी हैं। हालांकि देखिए, साल में वो एक बार जब वो अपने घर यूक्रेन जाती हैं तो अपने घर पहुंचकर वहां के लोगों को रामायण पुस्तक भेंट करती हैं। तो यूक्रेन का देखिए हिंदू धर्म से क्या संबंध रहा है, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं। जिस सोवियत संघ से निकलकर यूक्रेन ने दुनिया के नक्शे पर अपनी एक अलग पहचान बनाई, उसकी जड़ों से हिंदू धर्म जुड़ा हुआ है। जी हाँ, इतिहासकार बताते हैं कि 1000 वर्ष पहले रूस ने ईसाई धर्म स्वीकार किया। माना यह जाता है कि इससे पहले यहाँ असंगठित रूप से हिंदू धर्म प्रचलित था और उससे पहले संगठित रूप से वैदिक पद्धति के आधार पर हिंदू धर्म प्रचलित था। वैदिक धर्म का पतन होने के कारण यहाँ ईसाई और इस्लाम धर्म की उसके बाद शुरुआत हुई। भले ही यूक्रेन ज्योतिष विद्या को नकारे, लेकिन असल में
हिंदू पंचांग में यूरोपीय देशों में युद्ध की संभावना बताई गई है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा हिंदू पंचांग वायरल भी हो रहा है जिसमें पहले से ही रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग की भविष्यवाणी की गई है। वायरल हो रहे इस पंचांग में ये लिखा गया है कि लगभग 26 फरवरी 2022 ईसा के बाद 7 अप्रैल सन 2022 ईसा तक शनि मंगल का मकर राशि में योग यूरोपीय देशों की नीति विश्वव्यापी अशांति और घोषित युद्ध का वातावरण बना सकता है। गुरु शुक्र एवं शनि मंगल की स्थिति भी है, अंततः मुस्लिम राष्ट्र नायकों की नीति एवं भारत के साथ व्यवहार में सुधार संभव है। तो देखिए, इस वायरल पोस्ट को लोग ना सिर्फ इस वक्त शेयर भी कर रहे हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगा रहे हैं और इसको लेकर ही कहा जा रहा है कि ये है हमारे 90 रुपये के पंचांग की ताकत, गर्व है हमें हमारी सनातन संस्कृति, हमारे ज्योतिषीय ज्ञान पर। जय सनातन, जय हिंदुस्तान। हालांकि इस पंचांग की प्रमाणिकता की पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वायरल हो रहे इस पंचांग को लोग रूस यूक्रेन के बीच पैदा हुए इस तनाव से जरूर जोड़ रहे हैं। चरण में बाबा लाए के रखा आरती ऐसे दिखा के।